जारा को दो सूबों की पुलिस नहीं पकड़ पा रही थी और आप बकौल आपके फ्रॉम द डे फर्स्ट टिल डेट आप उनसे रابطے में थी, तहकीकाती दारों के लिए आपका रोल नेगेटिव नहीं था, आप चाहती तो उनको हेल्प आउट कर सकती थी। पहले दिन से मैं एक चीज पे क्लियर हूँ कि दुआ ने जो किया मैं उसको सपोर्ट नहीं करती। वालिदैन को छोड़े, दुनिया को छोड़े, लॉ को छोड़े, आप ये कह रही है उसने किया? यस हाँ, अगर उसने शराई हक इस्तेमाल किया तो ठीक किया। एग्जैक्ट यही आपकी बेटी करे, यू विल बी ओके विद इट? आप मुझसे कितना सख्त इंटरव्यू कर रहे हैं, आप मुझसे सवालात कर रहे हैं। मेरे पास ने मेरा भी करा देगा इंटरव्यू, आप दुआ जारा को आप सवाल पूछ लें हमारे। वेलकम। जिनका ना रुबाब राय ना शबाब राय, ये कौन से अल्फाज है, ये कौन सी जर्नलिज्म है, ये कौन सा सहाफी करता है और ये कौन से एथिक्स है, मुझे बताएंगे आप? ये जो आपने रुबाब और शबाब वाली बात की है ना, ये मैंने जरूर कही है और ये मैंने उनके वालदैन के लिए हरगिज नहीं कही। अच्छा, है किसके वालदैन के लिए कही, लिए कही है उनको अच्छे तरीके से किसके लिए बताएं ना, बताएं किसके लिए कही है। आपकी टोन जो है बदतमीज, बदतमीज टोन के अंदर कंसीडर की जाती है, आप यस कहेंगे या नो कहेंगे? आप, मैं वही कह रही हूँ कि जिसे आप बदतमीज टोन कह रहे हैं मैं उसे दबंग स्टाइल कहती हूँ। क्यों? दबंग स्टाइल सुन लें, जो लोग हैं वो भी दबंग अंदाज में आप पे रिएक्शन दें तो फिर आपको गिला तो नहीं होना चाहिए ना, उनका भी अंदाज आपसे ज्यादा दबंग हो सकता है। आप असल में टीआरपी के चक्कर में पड़े हैं, देखिए मेरी बात सुने, इससे ज्यादा टीआरपी के चक्कर में पड़ गया यार मैं। आप बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हैं पाकिस्तान की, हम आपके पीछे। मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ, आपको मिलियंस की ट्रैफिक आ रही है, आप टीआरपी के लिए कुछ नहीं कर रही, आप एथिकल जर्नलिज्म कर रही हैं, सब गलत कैसे हो सकते हैं और आप अकेली ठीक कैसे हो सकती हैं, मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे। इसके बारे में लोगों का कहना ये है कि ये फैब्रिकेटेड है, प्लांटेड है, कोई कह रहा है जामे शीरी ने कराया है और कोई कह रहा है कि आपने पैसे पकड़े, आप माफिया का हिस्सा है, गैंग का हिस्सा है, आप इसके बारे में क्या कहेंगी? आपने दुआ के वालिदैन के हवाले से कुछ सेशंस किए, कुछ इंटरव्यूज किए और आपने कहा कि दुआ के माँ बाप का एजेंडा। मैं आपसे जानना यह चाहता हूं कि माँ बाप जिनकी औलाद उनसे बिछड़ जाए और यूं बिछड़ जाए और जवान बच्ची बिछड़ जाए, उनका क्या एजेंडा हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं व्यूज मैटर, मैं हूं मुर्तजा डार। दुआ जारा केस हर गुजरते दिन के साथ एक नई डायरेक्शन की जानिब बढ़ता दिखाई हमें दे रहा है और इस नई डायरेक्शन के अंदर कभी दुआ के माँ बाप का कोई नया बयान सामने आ जाता है और उसी असना में हम देखते हैं दुआ और उनके जो मुबैना शोहर हैं जहीर, उनके कुछ बयान या उनके कुछ इंटरव्यूज सामने आते हैं जो वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर देते हैं, ना कि टेलीविजन के ऊपर देते हैं। खैर, जब वो इंटरव्यूज हो जाते हैं तो उसके बाद खासा शोर होता है और उन इंटरव्यूज में जो वो कहते हैं उसके ऊपर तो लोग नुक्ताचीनी करते हैं, उसको क्रिटिक करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जिन लोगों ने इंटरव्यू किया है उनको भी खासा जो है वो आड़े हाथों लिया जा रहा है। आज के इस वीलॉग में, आज के इस इंटरव्यू के अंदर जो है एक दिन का वक्फा जरूर आया, कल हमने जाहिर है बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर ऑलरेडी रिएक्शन कल दे दिया था, लेकिन मैंने उसको डिलिबरेटली होल्ड करके रखा और मेरी जब जुनैरा से बात हो रही थी तो मैंने उनको ये कहा कि मैं ये चाहता हूं कि आपका ओपिनियन या आपका वर्जन आए और उसमें हम एक डिबेट जनरेट करें और उस सूरत के अंदर हम इसको कर सकें, ना कि जो है हम कोई कस्टमाइज किस्म का जो है वो एक ओपिनियन दे सकें। खैर, ओपिनियन ओपिनियन है, ऑलवेज वेरी रिस्पेक्टफुल ऑफ फॉर एवरी वन। इसीलिए मैंने आज मधु किया है प्रोग्राम में जुनैरा माहम साहिबा को। वेलकम टू द शो जुनैरा, बहुत सारे सवाल आते हैं जो आपसे करने हैं और इन सारे सवाल से पहले मैं चाहूंगा कि हम एक चीज पे एग्री कर लें कि वी विल एग्री टू एग्री कि हम हर एक की जो है वो बात की रिस्पेक्ट भी करेंगे और हर एक सवाल को जो है वो पॉजिटिव भी लेंगे और इस डिबेट को जो जनरेट करेंगे, मैं चाहता हूँ कि हम एक हेल्दी नोट पे जनरेट करें, किसी के लिए कुछ ना कुछ तो रिजल्ट निकलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, हेल्दी नोट पे जरूर होना चाहिए, लेकिन कुछ लोग क्या कर रहे हैं अनफॉर्चुनेटली कि वो बात में से बिला वजह टीआरपी क्रिएट करने के लिए जो है ना इस तरह के टैक्टिक्स जिसे कहते हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मैं तो इल्जामात आप पे भी लगा दिए लोगों ने, मैं खैर देखा था। लेट्स स्टार्ट। अच्छा, मैं ये चाहता हूँ कि आज के इस इंटरव्यू में कुछ आपके बारे में भी लोग जाने, हर एक का जाहिर अपना अपना ओपिनियन है, आप अपने आप को एक्ट्रेस भी कहती हैं, मॉडल भी कहती हैं और जर्नलिस्ट भी कहती हैं, जो अपेरेंटली मैंने आपके सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी देखा, थोड़ा सा आप डिफाइन करें अगर लोगों को अपने इन तीनों प्रोफेशंस के बारे में फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ यू एंड योर वर्क, तो हाउ वुड यू से दैट? जो मेरे फॉलोअर्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं और जो लोग मुझे देखते आ रहे हैं तो उनको अच्छे तरीके से मेरी बायोग्राफी का पता है और जिन लोगों को नहीं पता है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी, क्योंकि आपके इस पूरे सेशन में अपनी पूरी बायोग्राफी बताऊंगी तो बहुत टाइम गुजर जाएगा, मैं थोड़ा सा आपको शॉर्ट करके बता देती हूँ कि बेसिकली जो मेरी क्वालिफिकेशन है वो जर्नलिज्म के हवाले से है और पोलिटिकल साइंस में मैंने मास्टर्स भी किया हुआ है, प्लस ये है
कि जितने भी मेन स्ट्रीम मीडिया के न्यूज चैनल्स हैं उन सबके साथ मैंने काम किया हुआ है, डिफरेंट शोज मैंने होस्ट किए हैं, कितने शोज होस्ट किए हैं वो तो आपको बायोग्राफी में सारी डिटेल मिल जाएगी। मेन मेन जो चीदा चीदा है वो मैं आपको बता दूं कि पिछले 5 साल से जियो न्यूज के साथ प्रोग्राम खबरनाकी में को होस्ट भी थी, कैरेक्टर एक्ट्रेस भी थी, और प्लस मेरे 18 ड्रामास जो एक्ट्रेस के हवाले से आपको बता रही हूँ कि 18 ड्रामास अब तक ऑन ईयर हो चुके हैं जो डिफरेंट टीवी चैनल्स पे, एंटरटेनमेंट चैनल्स पर आ चुके हैं। अभी रिसेंटली मेरे 2 ड्रामास जो है वो एंड हुए हैं, एक हम टीवी था और एक मेरा TV1 पे था नकारा खुदा के नाम से। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि पिछले 5 साल से मैं जियो न्यूज के साथ भी काम कर रही थी, मेन स्ट्रीम मीडिया के साथ भी काम कर रही थी, साथ में मैं फैशन शोज भी कर रही थी, और अभी भी डिफरेंट चैनल्स पर मेरे कुछ कमर्शियल्स चल रहे हैं, ब्रांड नेम तो नहीं लेना चाहूंगी आई थिंक आपके चैनल पर। और उसके साथ साथ मैं अपना यूट्यूब चैनल भी रन कर रही हूँ, जिसमें आपको पता है कि जब हम कोई न्यूज चैनल पे जाते हैं तो हमें उसकी पॉलिसी को फॉलो करना पड़ता है, लेकिन जो सोशल मीडिया होता है वो एक ओपन प्लेटफॉर्म होता है जहां पर आप अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो बिल्कुल फियरलेस होकर शेयर कर सकते हैं। तो ये मेरा एक प्लेटफॉर्म है, ऑब्वियसली यहाँ पर कुछ इमोशनल फूल्स भी हैं और यहाँ पर जो एक सीरियस ऑडियंस है वो भी यहाँ पर है, तो हर तरह के लोगों से पाला पड़ता है। अच्छा ये बताएं कि आपने जिस तरह कहा कि YouTube पे आप खुल के बात कर सकते हैं, दैट इज प्रीटी एविडेंट, बट उसी के अंदर आपने खुल के जो बात करी है, जर्नलिज्म भी आपने कहा कि आप कर रही हैं और आप जर्नलिस्ट भी हैं, ये आपको ख्याल और ये शौक आपको मतलब नजरिया जरूरत के तहत आया, बिकॉज ऑफ योर एजुकेशन आया, या यू थॉट के मुझे ये करना जो है इज द ओनली ऑप्शन लेफ्ट फॉर मी, क्यों आया आपको ये ख्याल? नहीं, मैं शुरू से ही कभी नहीं चाहती थी कि मेरा कोई जर्नलिस्टिक जो है ना वो ऐसा कोई इमेज बने। मैं प्रॉपर कोई जर्नलिस्ट वाला वो करंट अफेयर्स वाला शो नहीं करना चाहती थी, हालांकि मेरे पास बहुत सारी ऑफर्स हैं करंट अफेयर्स के शोज करने के लिए, लेकिन क्योंकि मैं एक्ट्रेस मॉडल होस्ट हूँ तो मैं नहीं चाहती कि मैं टोटली एक जर्नलिज्म को लेकर चलूं। अब देखिए मिसाल के तौर पर मैं अगर आपको एग्जाम्पल दूँ, हमारा जो प्रोग्राम खबरनाक था जिसमें आपने मुझे डिफरेंट रोल्स प्ले करते हुए देखा होगा, डमीज परफॉर्म करते हुए देखा होगा, गेस्ट के साथ क्वेश्चनिंग करते हुए देखा होगा, तो उसमें हम करते क्या थे, हमारी एक टेक्निक थी जिसकी वजह से वो शो जो है वो इतने सालों तक नंबर वन पे रहा। वो ये था कि हम डेली की जो पॉलिटिकल न्यूज थी, जो सटायर बेस्ड न्यूज थी, उसके ऊपर हम कॉमेडी जनरेट करते थे। मतलब उसको आपने देखा होगा अक्सर अपने मेरे लाइव सेशंस में कि मैं अक्सर बात करते करते एकदम से डमीज परफॉर्म करना शुरू कर देती हूँ, एकदम मैं टोन एंड टेम्पोज में आ जाती हूँ। तो टेलीविजन पे लोग इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे जो न्यू लोग होते हैं, जो इमोशनल फूल्स होते हैं, वो समझते हैं शायद ये मजाक उड़ाया जा रहा है। एक सवाल मेरा आपसे कि जो सोशल मीडिया के लोग हैं आप उनसे अक्सर गुस्से में रहती हैं, उसकी क्या वजह है? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली होता क्या है कि जिंदगी कुछ एक्सपीरियंसेस से गुजरती है। अब 2 साल हो गए हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर, और मुझे एक आदत पड़ी थी कि मैं सबकी एक लाडली थी। अच्छा। मुझे आज तक कभी भी कोई नेगेटिव कमेंट नहीं आया था, और हमेशा जो है वो मुझे अप्रिसिएशन मिली। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको बताऊं तो मेरे कई वीडियोस ऐसे हैं जो मिलियंस में गए हैं और उसमें मुझे सिर्फ अप्रिसिएशन मिली है, लेकिन उसमें से मैं एक कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक का जिक्र करना चाहूंगी, मेरा जिसमें मेरी मर्जी के ऊपर। आपको याद होगा कि जो खलीलुर रहमान कमर है वो एक कॉन्ट्रोवर्सी में फंस गए थे, उस वक्त मैंने अपना एक नैरेटिव शेयर किया था और पूरी कॉम ने मुझे उठा के सर पे बिठा लिया था कि ये हमारी कॉम की बेटी है, क्योंकि मेरे ख्याल सुनने के बाद उनको लगा मेरा जिसमें मेरी मर्जी, अगर किसी ने नहीं देखा तो मेरा वीडियो जाकर देख लें, उसमें मैंने अपने ख्यालात का इजहार किया था कि मैं मेरा जिसमें मेरी मर्जी के बारे में क्या सोचती हूँ। अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या कि जब ये दुआ जहरा केस आया तो इसमें मैंने ईमानदारी से लोगों को बताने की कोशिश की, बल्कि बताने की कोशिश नहीं की, बताया। एक सेकंड रुक जाइए, ये सारा जो पहले मैंने सारे सवाल किए वो इसलिए मैंने किए ताकि लोगों को आपके बारे में एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाए बिफोर वी स्टार्ट दिस डिबेट। अब आपने चूंकि दुआ जहरा का जिक्र किया, मेरे जहन में एक दो सवाल और भी थे, लेकिन दुआ जहरा का आपने जिक्र किया, पूछे, लेट्स जंप इनटू इट डायरेक्टली विदाउट एनी पॉज एंड डिले। दुआ जहरा केस में मैं क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, मैं पूछ रहा हूँ, चले आगे चल के पूछ लेता हूँ आपसे। दुआ जहरा केस में मैं चाहता हूँ कि हम दो हिस्सों पर डिबेट करें या डिस्कशन करें, आई वुड कॉल इट डिस्कशन या डिबेट रादर देन इंटरव्यूइंग यू। एक पार्ट इसका ये है जिसमें दुआ जहरा का केस है, और दूसरा पार्ट है जिसमें आपका इस सारे केस के अंदर एक रोल है, क्योंकि आप खासी डिस्कस हो रही हैं और आपकी जो आपके बारे में जो डिस्कशन हो रही है वो कोई बहुत पॉजिटिव या अफर्मेटिव नोट के ऊपर नहीं हो रही। सबसे पहले मुझे आप ये बताइए कि आपने दुआ जहरा का जो इंटरव्यू किया, इसके बारे में लोगों का कहना ये है कि ये फैब्रिकेटेड है, प्लांटेड है, कोई कह रहा है जामे शीरी ने कराया है, और कोई कह रहा है कि आपने पैसे पकड़े, आप माफिया का हिस्सा है, गैंग का हिस्सा है, आप इसके बारे में क्या कहेंगी एक मर्तबा फिर अगर आप क्लैरिटी दे सके। जी जी मैं आपको बता दूं कि इसकी रीजन क्या है। अभी मैं थोड़ी देर पहले एक न्यूज चैनल के ऊपर लाइव थी,
और मैंने उनकी कुछ कॉन्वर्जेशन, ये एथिक्स के खिलाफ होता है, लेकिन मैंने उनकी कुछ कॉन्वर्जेशन का हिस्सा जो है वो रिकॉर्ड कर लिया है, क्योंकि सोशल मीडिया पर क्या हो गया है कि लोग जो है ना लॉजिक को नहीं मानते। लोगों को एक हद तक आप एक प्रूफ दिखा सकते हैं, बहुत ज्यादा ऑफ द रिकॉर्ड बातें आप उनके साथ शेयर नहीं कर सकते। अब 2011 के बारे में मैं आपको बताऊं कि एक लड़की है जो आप सब लोग जानते हैं कि वो 17 साल की है, जबकि उसके वालिद का कहना है कि वो 14 साल की है। वो अपने घर से फरार होती है, फरार कह लें या अपने घर से चली जाती है, अपनी मर्जी से चली जाती है। वो अपने घर पे अपनी कबर्ड के ऊपर एक लेटर चिपका के आती है, और उसके बाद 16 अप्रैल को वो अपने घर से निकलती है। वो वाया टैक्सी आती है, कैसे आती है इसको भी फिलहाल थोड़ी देर के लिए अभी हम साइड पे रखते हैं। वो लड़की लाहौर आती है, आते ही वो एक लड़के को जो कि उसका लवर है या जिसे वो अपनी जिंदगी का साथी बनाना चाहती है, जहीर, उसके साथ वो आकर यहाँ पर निकाह कर लेती है। सबसे पहले वो लाहौर हाई कोर्ट जाती है और वहां जाकर वो निकाह करती है। निकाह करने के बाद वो निकाहनामा अपने वालिद को व्हाट्सएप करती है। अब उसके वालिद जो के रिपोर्ट दर्ज करवा चुके हैं गुमशुदगी की, कि मेरी बेटी जो है वो गुमशुदा हो चुकी है, उसके बाद वो उसके वालिद जो हैं वो क्या करते हैं, वो इसको थोड़ा सा एक टर्न देते हैं इस केस को। वो कहते हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया पर एक चैनल पर आते हैं और आकर वो कहते हैं कि मेरी बेटी को अगवा कर लिया गया है। और जब मेन स्ट्रीम मीडिया का होस्ट उसके वालिद से ये पूछता है कि आपकी बेटी जो है अगर वो अगवा हो गई है तो क्या आपने उसकी गुमशुदगी का कोई ऐलान करवाया, अगवा का कोई ऐलान करवाया, तो उसके वालिद जो है वो मेन स्ट्रीम मीडिया पर, देखिए मेन स्ट्रीम मीडिया पर बात करना, सोशल मीडिया पर बात करना, जमीन आसमान का फर्क है, बहुत जिम्मेदारी से आपको चीजों को लेकर चलना होता है। उसके वालिद क्या करते हैं कि वो मेन स्ट्रीम मीडिया पर बैठकर एक तफरकेबाजी का बयान देते हैं। वो कहते हैं कि मैंने मस्जिद में जाकर अपनी बेटी की गुमशुदगी का ऐलान कराना चाहा, लेकिन मौलवी साहब ने ये कहकर इनकार कर दिया कि हम इन नामों का ऐलान नहीं करते, क्योंकि वो अहले तशी थे और जो जिस मस्जिद में वो गए थे वो गालिबन कोई, यानी आपके ख्याल से यूं करने से जो है वो उन्होंने फिरका वारियत को हवा दी, ये कह रही हैं आप? हवा दी नहीं बल्कि हवा दे दी। उसके बाद अच्छा, क्या हुआ, एक उसका सेकंड, रिएक्शन मैं चाह रहा हूँ जो आप कह रही हैं साथ साथ उसको जरा क्लियर करते हैं लोगों इस के बात लिए, को लोगों के लिए क्लियर करते जाएं साथ साथ। अच्छा आप जो ये कह रही हैं, दिस इज बेस्ड ऑन जो उन्होंने कहा ऑन मेन स्ट्रीम टीवी चैनल के ऊपर, इसका दूसरा मतलब ये लिया जा सकता है कि मेन स्ट्रीम टीवी चैनल और उस मेन स्ट्रीम टीवी चैनल का जो एंकर था या थी उसने डिलिबरेटली उसने भी इसको हवा देने की कोशिश की और फाइनली आपने या बहुत सारे ऐसे लोग जो इस ख्याल के हैं उन्होंने इस मामले को टेकअप कर लिया, हम ये कह सकते हैं इसको? नहीं 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 क्यों नहीं कह मैं सकते, इसको थोड़ा क्यों सा नहीं कह सकते? क्लैरिफाई, देखे ना, मैं अगर तो मैं वो मेन स्ट्रीम चैनल के ऊपर आके फिरका वारिद को हवा दे रहे हैं तो चैनल भी उसकी फिर पार्टी है, उसको ना रोकने वाला होस्ट जो एंकर है, क्योंकि मैं भी एक मेन स्ट्रीम चैनल करता हूँ, मुझे हाँ वो क्लैरिफाई, मैं भी आप जानती है कि मेन स्ट्रीम चैनल पे काम करता हूँ, मेरे शो में आके या मेरे लाइव सेशन के अंदर आके कोई गेस्ट कुछ कह के चला जाए और मैं उसको कंडेम ना करूं उसके गलत एक्ट को, तो आई एम इक्वली पार्टी टू इट। कोर्ट्स इसके ऊपर सजाएं देती हैं उन एंकर्स को भी और उन इदारों को भी। सो आप इन अदर वर्ड्स उस चैनल के ऊपर और उस एंकर के ऊपर भी फिर इल्जाम लगाइए कि जी वो इसका पार्ट थे? नहीं, आप प्लीज मुझे इसका जवाब देने दीजिए। अच्छा जी, इसका जवाब ये है कि होता क्या है कि देखिए, आप अगर मेन स्ट्रीम मीडिया का एक पार्ट है, मैं भी हूँ, हमने कई शोज कंडक्ट किए होंगे जो कि लाइव शोज होते हैं। लाइव शो में होस्ट का काम होता है क्वेश्चन करना। बाज दफा ऐसा होता है कि एकदम से सडनली सामने वाली पार्टी से ऐसा आंसर आ जाता है कि लाइव शो में उसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप इसमें अंडरस्टैंडिंग है, आप पार्टीज बहुत सारे गलत जवाब देती हैं क्योंकि वो जर्नलिस्ट नहीं है, तो ये होस्ट का काम है कि वो उसको या तो करेक्ट करता है या उसकी नफी करता है या उसको उस बंदे की राय से जोड़ता है। हाँ, ये मल्टीपल टाइम आप हो इसे चुका ये है, कह सकते हैं कि होस्ट, और अगर वो हाँ, ना आपको, करे, आप इसे, मेरे पास अगर आप कहती हैं तो आपको मेन स्ट्रीम के कुछ लोगों की, कुछ एंकर्स की मिसालें भी दे देता हूँ कि अगर वो ना करें तो उनको फिर गिल्टी करार दिया जाता है कोर्ट्स के अंदर भी। और मैं इस हवाले से इनडायरेक्टली, क्योंकि मैं एक चैनल के अंदर एक डिपार्टमेंट का हेड था और हमारे एंकर ने ऐसा ही कुछ किया था, तो मैंने उस चैनल में जाके हाईकोर्ट के अंदर एक पेशी भुगती हुई है कि जी एंकर ने क्यों कंडेम नहीं किया गेस्ट ने अगर ये बात हमारे इदारे या हमारे इंस्टीट्यूशन के बारे में आपकी की। बात इस बात से मैं इत्तेफाक करती हूँ कि उनको कंडेम करना चाहिए था, लेकिन मैं यहाँ पर एक और चीज ऐड भी करना चाहती हूँ कि जो दुआ के वालिद हैं उसके बाद मेन स्ट्रीम मीडिया ने उनको बायकॉट कर दुआ के दिया, उनको वालिद, टीवी दुआ के चैनल्स को वालिद, एक बुलाना सेकंड छोड़ दिया। एक सेकंड, दुआ के वालिद मेन स्ट्रीम पे आ गए और उन्होंने जो कहा वो आपने आपने उस पर एग्री किया मेरी बात से, दैट इज गुड। आपने दुआ के वालिदैन के हवाले से कुछ सेशंस किए, कुछ इंटरव्यूज किए और आपने कहा कि दुआ के माँ बाप का एजेंडा, मैं आपसे जानना ये चाहता हूँ कि माँ बाप जिनकी औलाद उनसे बिछड़ जाए और यूं बिछड़ जाए और जवान बच्ची बिछड़ जाए, उनका क्या एजेंडा हो सकता है? आप उसको एजेंडा क्यों कह रही हैं और वो है क्या?
जी मैं आपको एजेंडा बताती हूँ. एजेंडा इज दैट के देखिए, हम जहां पे हमारी बात टूटी थी, मैं वहीं से अपनी बात का आगाज करूंगी कि वो लड़की जो अपने घर पे लेटर भी चिपका के आ जाती है, अगले दिन आके निकाह करती है और अपने वालिद को व्हाट्सएप भी करती है, उसके बाद एजेंडे की तरफ, एजेंडा क्या माँ बाप, जी जी एजेंडे की तरफ ही लेके जा रही हूँ कि उसके वालिद को पहले ही दिन ये बात पता चल गई थी कि उनकी बेटी अगवा नहीं हुई, बल्कि उनकी बेटी ने तो उनको निकाहनामा व्हाट्सएप कर दिया था. उसके बाद इसकी उन्होंने जो केस दर्ज करवाया था, जो FIR दर्ज करवाई थी, वो अगवा की करवाई थी, ना कि गुमशुदगी की, ना कि इस बात की कि मेरी बेटी ने जाके अपनी मर्जी से निकाह कर लिया, या ना कि इस बात की कि मेरी बेटी जो है वो एक माइनर है और वो कैसे शादी कर सकती है. मेरी सुने, हिंदू और क्रिश्चियन कुछ बच्चियां थी, उन बच्चियों को यूं ही कोर्ट के अंदर निकाह किया गया और उनके घर वाले जब अदालत पहुंचे अपनी बच्चियों के मसले लेके, तो उन्होंने भी अगवा के ही पर्चे या रिक्वेस्ट पुट अप की. उन्होंने कहा जी हमें नहीं पता हमारी बेटियां कहां गई हैं. 99% ऑफ ऐसे केसेस के अंदर एबडक्शन या अगवा की ही एप्लीकेशन दी जाती है. तो इसमें इन्होंने क्या गलत किया, उनकी बच्ची मिसिंग है, व्हाट रॉन्ग डिड दे डू इन दिस? जी मैं आपको बताती हूँ उसमें गलत कैसे हुआ, ये गलत कैसे हो गया. सबसे पहले जब ये केस दर्ज हुआ, चले जी फर्ज कर लेते हैं कि उन्होंने अगवा का करवाया, क्योंकि 99% लड़कियों के साथ इस तरह के वाकयात होते रहते हैं. अब पहले ही दिन उनकी बेटी की सीसीटीवी फुटेज सामने आ जाती है, और वो सीसीटीवी फुटेज कौन बरामद करता है, वो पुलिस बरामद करती है. उस वक्त के जो SHO थे जिन्होंने इस केस को इन्वेस्टिगेट किया था, उनकी एक रिपोर्ट मेरे पास है, मैं चाहूंगी कि मैं आपके साथ शेयर करूं, और वो मैं आपको सेंड कर दूंगी, वो अपनी स्क्रीन पे बाद में ही अपनी कम्युनिटी में पोस्ट कीजिएगा. वो पूरी रिपोर्ट मेरे पास है, उसमें SHO साहब जो है उनका नंबर भी है. तो अब होता क्या है कि SHO जो है वो अपनी जो रिपोर्ट पेश करते हैं पहले ही दिन, उसमें वो कहते हैं कि लड़की जो है वो अगवा नहीं हुई, बल्कि लड़की अपनी मर्जी से गई है और उसने शादी की है, और उसका सबूत ये भी था कि लड़की ने व्हाट्सएप भी किया था निकाहनामा, प्लस ये कि उनके घर पे जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया तो इंटरनेट के थ्रू जो सर्चेज आते हैं, रिसेंट सर्चेज, उसमें आ रहा था कि लड़की ने सबसे पहले कोर्ट मैरिजेस को सर्च किया हुआ था. अब दुआ के वालिद को दोबारा से चैनल्स पे बुलाया गया और पूछा गया कि क्या आपकी बेटी ने आपको निकाहनामा व्हाट्सएप किया था, उन्होंने कहा नहीं. उनसे पूछा गया कि आपकी बेटी घर पे लेटर छोड़ के गई, उन्होंने कहा नहीं. उन्होंने सारा मलबा डाल दिया उस SHO के ऊपर, हत्ता कि जब उनको सीसीटीवी फुटेज दिखाई गई तो उन्होंने कहा, उन्होंने उससे भी इनकार कर दिया, उन्होंने कहा ये मेरी बेटी है ही नहीं, क्योंकि मेरी बेटी तो इतने बजे गई थी, ये किसी और की बेटी है. अच्छा मुझे वैसे याद है, नुकसान क्या हुआ था, बीइंग अ जर्नलिस्ट मुझे याद है, जब वो सीसीटीवी फुटेज आई थी और उनके वालिद का बयान आया था, तो बहुत सारे ऐसे लोग थे, नॉट हर फैमिली या हर पेरेंट्स, जिन्होंने कहा था कि यार ये हमें वो लग नहीं रही, बहुत सारे लोगों का ये एक ओपिनियन था. खैर आप कंटिन्यू करें. आपकी इस बात का जवाब मैं कुछ इस तरह से देना चाहूंगी कि अगर अब ये विजुअल में मैं आपके सामने ना होती और अगर मैं ऑडियो पे आपके साथ होती तो बहुत सारे लोग आपके कमेंट सेक्शन में कहते हैं कि हम कैसे यकीन कर लेंगे ये जुनैरा माहम है. नहीं, वो कर लेते बिल्कुल हैं, ऐसे ही जैसे हैं, नहीं 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 पता है कि वो मैं आपको बताती हूँ और कितनी झूठी खबरें देते हैं वो यकीन करते हैं. हाँ वो ये चक्कर है कि अभी मैंने दुआ जहरा के साथ एक और इंटरव्यू रिकॉर्ड करना है ऑडियो में, वीडियो में नहीं, मेरे पास में मेरा भी करा देगा इंटरव्यू आप दुआ जहरा को. आप हाँ मोस्ट वेलकम आप जो भी रास्ता कीजिए वो आपको. नहीं हम हमें नंबर दें, मेरे से आप नंबर शेयर कर लें उनका और मैं आपको. हाँ नंबर बिल्कुल ठीक है, कहता हूँ जी मैं जुनैरा का नंबर आपके साथ बात कर रहा हूँ इसलिए मुझे इंटरव्यू दे दें, और अगर नहीं होगा तो फिर आपसे पक्का. नहीं तकरीबन 5 चैनल्स हैं जिनको वो ऑलरेडी इंटरव्यू दे चुकी हैं. मान लिया, मैं तो किसी के खाते में नहीं आ रहा. चलिए मेरी बात सुने, मैं उनको 2 ऑप्शंस देता हूँ. एक तो ये ऑप्शन कि इस व्यूज मैटर के लिए हम कर लेते हैं, इसके अलावा मैं एक टेलीविजन चैनल कैपिटल के लिए काम करता हूँ, होस्ट करता हूँ वहाँ पे करंट अफेयर का शो, मैं उसके लिए भी उनको ये ऑफर देता हूँ, और ये मैं आप पे छोड़ता हूँ क्योंकि आप उनसे रब्ते में हैं. अभी जब मेरी रिसेंटली मुलाकात हुई दुआ के साथ और वहां पे कुछ और चैनल्स भी आए हुए थे, उन्होंने भी इंटरव्यू किया, मैंने दुआ से सबसे पहले जो मैंने दुआ से सबसे पहली बात की वो ये थी कि मैंने उसे कहा कि देखो निमरा काजमी का केस भी आपकी तरह का एक केस है, लेकिन निमरा काजमी की मुझे एक अच्छी बात ये लगी कि वो वोकल है, वो कहीं पर भी अपना नैरेटिव शेयर करती है. और दुआ के मामले में और जहीर के मामले में मैं ये समझती हूँ कि उनकी सबसे पहली मिस्टेक ये है कि उनको स्क्रीन पर आना चाहिए, उनको मेन स्ट्रीम पर आना चाहिए, यूट्यूबर्स के पास आना चाहिए. कंसर्न रेज किया था, आना चाहिए. हाँ वो बिल्कुल मैंने पूछा. अच्छा, मैंने पूछा और दुआ ने मुझे 2 आंसर्स उसके दिए और उसकी फैमिली ने भी मुझे 2 आंसर्स दिए. सबसे पहले तो दुआ ने मुझे, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे थे कि आपको सबसे पहला इंटरव्यू क्यों दिया, तो दुआ के जो अल्फाज थे वो ये थे कि जब वो लोग फरार थे, मतलब जब उनको लाहौर हाईकोर्ट से सिंध हाईकोर्ट में पेश किया जाना था, उसके दौरान जब वो लोग भाग रहे थे, जो कि उसने मेरे इंटरव्यू में भी जिक्र किया है, तो जहां पर भी जाते थे